जी अस्सलाम वालेकुम। खास टेनमेंट की इस वीडियो के साथ मैं हूँ इकरा मुजाहिद बेग, और बहुत ज़्यादा बात होती है बॉडी शेमिंग पे। बॉडी शेमिंग क्या है? आपके जो अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया है, चाहे आप मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, लंबे हो, ऊंचे हो, छोटे हो, ये सब तो अल्लाह ताला की देन है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इस वक्त अगर इंटरनेट पर ट्रोलिंग की जाती है तो बॉडी शेमिंग को बहुत ज्यादा जो है वो इस पर ट्रोल किया जाता है। अगर कोई खातून या कोई मर्द पतला है, दुबला है, या वो किसी तरह से मुख्तलिफ है दूसरे शख्स से, तो उस हवाले से बॉडी को जो शेम किया जाता है, ये ट्रेंड बढ़ता चले जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? इस वक्त इस ट्रेंड का सबसे बड़ा निशाना बनी है टिकटॉक में जो है एक टिकटॉकर जिनका नाम अलीना फातिमा है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अलीना ये मामला क्या है। अलीना कैसी हैं आप, और ये बताइएगा कि जिस तरह से टिकटॉक पर आपको जो है ट्रोल किया जा रहा है वो क्या मामला है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इकरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। सेकंड, आपने मुझसे पूछा ये क्या मामला है। मामला तो मुझे खुद नहीं पता ये क्या मामला है और ये क्यों हो रहा है, किस वजह से, किस बुनियाद पे मेरी वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। एक बिल्कुल जो मैंने ट्रैक लगाया था उसको चेंज करके, और इस हद तक वायरल किया गया है, इस हद तक वायरल हुई है कि सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि वर्ल्ड वाइड इस वक्त मुझे देखा जा रहा है और मेरा मजाक बनाया जा रहा है। तो क्या ये इतना ज्यादा आसान है कि अगर इंटरनेट के थ्रू आपने, चूंकि वो एक आपका कॉपीराइट है, आपने तरह से वो वीडियोस अपलोड की और अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने फन के लिए उस वीडियो को अपलोड किया, मुख्तलिफ वीडियोस को अपलोड किया, मैंने भी आपकी प्रोफाइल चेक की है, तो उसके बाद से और फिर हेटेड जो कमेंट्स आपको खुद मौसूल होते हैं, उन सबको पढ़ के क्या महसूस होता है? उन सबको पढ़ के आप कितना एंजाइटी और कितनी परेशान होती है? देखिए इकरा, मैं तो जिंदगी के बहुत एक अच्छा हिस्सा मैं बर्बाद कर चुकी थी अपना, तो मैंने ना पहले डिसाइड किया था कि जब मैंने इस चीज पर आना तो मैंने कमेंट्स नहीं पढ़ना। इंडस्ट्रार्ट में थोड़े बहुत पढ़े, जब मैंने देखा बहुत ज्यादा गालियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बैड कमेंट्स, मैंने कमेंट्स पढ़ना ना छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, लोग बोलते हैं बोलते हैं, तो लोगों का काम है, हद हो गई, ठीक है। मैं इग्नोर करती रही। वीडियोस वायरल होती हैं, सबकी होती हैं, मीम्स बनते हैं, सबके बनते हैं, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता इस तरह, उसको जलील नहीं किया जाता पूरी दुनिया में। मेरा मजाक बनाया गया 15 सेकंड की वीडियो के लिए, मुझे पूरी दुनिया सब मेरे पर सिर्फ हंस रही है, सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर जो ट्रैक चला है वो बॉडी शेमिंग को प्रमोट कर रहा है कि मैं इस एहसास कमतरी में चली जाऊं कि मैं मोटी हूँ तो मैं बहुत बुरी हूँ। क्यों? सही, मेरा मोटा होना क्या कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? सही। इस सब मामले में लेकर ये जितने दिनों से आपके ऊपर इस वक्त ट्रोलिंग की जा रही है, और उसके बाद से आपका खुद कॉन्फिडेंस कितना शेक हुआ है इस सब चीजों को देख के? फिर इसमें साथ साथ आपकी फैमिली के जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, मेरे भाई को पहले इन्वॉल्व किया, फिर भाभी को किया, मेरी अम्मी को कर दिया, उनके साथ मेरे स्लोमोज हैं उसको भी यूज किया गया। मतलब यार हद नहीं हो गई कोई एक इतना शदीद सेल्फ अटैक करने पे, कोई हद हो गई कि आप मेरी पूरी फैमिली को अटैक कर रहे हो? आप होते कौन हो, आप हैं कौन? सही। जो हेटेड कमेंट्स होते हैं, जो नफरत आमेज, तुम मोटी हो, अब तुम आ गई हो, पर्दे में रहो, ये करो वो करो, कैसे महसूस? मैं पर्दे में रहूं ना रहूं ये मेरा मामला है, इसकी जिम्मेदार मैं हूं, इसका हिसाब मैं दूंगी, कोई और तो नहीं देगा। कोई अगर गारंटी लेता है कि वो मेरे पर्दे में रहने का हिसाब देने को तैयार है तो ठीक है, कोई भी नहीं लेगा। हर शख्स ने अपनी कब्र का अमाल जो है वो खुद ही अल्लाह ताला के सामने पेश करना है,
मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगी इस बारे में। जो लोग कमेंट्स करते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, मुझे हया वगैरह, बेशरम बेहया कहते हैं, तो भाई ताली हाथ से तो नहीं बजती, आप भी तो देख रहे हो। आप सही अगर मैं बेहयाई कर रही हूँ, मैं बेगैरती कर रही हूँ, तो साथ साथ आप भी उतने ही गुनहगार हैं अगर मैं गुनहगार हूँ तो, क्योंकि आपकी आंखें भी वो सब कुछ देख रही हैं। बिल्कुल सही। और एक और अगर मैं बात, गलत हूं तो आप मुझे बोलें। और एक और बात भी है जो अक्सर आपको या किसी को भी तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं या पर्सनालिटीज को डैमेज कर रहे होते हैं, उनमें से अक्सर की शनाख्ती नहीं होती, उनके प्रोफाइल्स के ऊपर उनकी पिक्चर्स नहीं लगी होती हैं, ना उनकी पिक्चर्स होती हैं, बल्कि वो फूलों की तस्वीर, आंखों के निशान या ऐसी चीजें होती हैं, या कोई ऐसे पिक्चर्स होती हैं जिसमें आप शनाख्त भी वाजे नहीं मैं होती। अपने आप को ओन करती हूँ यार, मैं अपने आप को ओन करती हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को ओन करती हूँ। एंड आई प्राउड माई सेल्फ कि इतनी फैट होने के बाद, इतनी चबी होने के बाद मेरा एक अपना नाम है, और मैं अपनी पर्सनालिटी ऐसे मैंने बिल्डअप की कि लोग मुझे एडलाइज करते हैं, और अब मुझे इस बात का और अच्छे से अंदाजा हो रहा है, तो मेरे लिए लोग हक में बोलने खड़े हो रहे हैं। तो आई फील सो प्राउड माई सेल्फ कि यार गिराने लगे थे मुझे मुझे आपने सोचा कि अर्श से फर्श पे लिया है, लेकिन देखिए अल्लाह पाक की कुदरत कि मुझे लगा कोई नहीं, लेकिन मेरे साथ तो सब है, मैं तो अकेली नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं तो नहीं मान और रही हार। बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने सबको हसीन पैदा किया है, और हुस्न जिसे कहते हैं बराबरी, मतलब एक तरह से मुतवाजन पैदा किया है, तो अल्लाह ये हर शख्स ने क्या है वो होता है ना इकरा, मतलब अल्लाह ताला ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, कोई मुकम्मल नहीं है, तो हर शख्स के ऐप होते हैं। आप ऐबों को ढकें, अल्लाह आपके ऐबों को ढकेगा। मेरा ऐप जो है वो नजर आता है, तो मैं उसको अपनी कमजोरी बना के चार दीवारी के अंदर बैठ जाऊं, मैं अपने टैलेंट को जाया कर दूं, मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर शख्स में ऐब होता है, कोई परफेक्ट नहीं, दुनिया में कोई एक परफेक्ट शख्स है तो मेरे सामने लाके खड़ा करें, इतनी बड़ी बात ना बोल, कोई भी परफेक्ट नहीं, हर शख्स में ऐब है, चाहे वो दिखाई दे या चाहे वो ना दिखाई दे। बिल्कुल, चाहे वो ऐप दिखाई दे या नहीं, क्योंकि परफेक्शन और परफेक्ट जो जात है वो अल्लाह ताला की ही है। बिल्कुल, सिर्फ अल्लाह पाक पर किया। ये बताइएगा, जब से आपको इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ट्रोल्स किए जा रहे हैं, आप तो खुद माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं, और आपने जब ये काम शुरू किया या टिकटॉक पर आए, उससे पहले अपने जहन को इस तरह से आमादा कर लिया कि अच्छी बुरी बातें, हर तरह की बातें मिल सकती हैं। आपकी फैमिली के ऊपर इस वक्त किस तरह से जो है वो बीत रही है, या आपकी फैमिली इस पे मैं कितना? हम सब बहुत हर्ट हुए, क्योंकि सबको पता है मैं काम करती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ ऑलरेडी, तो मैं काम करती हूँ, वीडियोस पहले भी वायरल होंगे, बट इतना सेल्फ अटैक नहीं हुआ था, मेरी पूरी फैमिली को नहीं घसीटा गया था। शुरू के कुछ दिन तो मैं और अम्मी फुल एक दूसरे की शक्ल देखते थे कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, और मतलब ये कर क्या रहे हैं लोग, और मेरा जो मोबाइल है बार बार सेकंडों पे बज रहा था, हर शख्स सिर्फ मुझे टैग कर रहा था, मेरा मजाक बना रहा था, हर शख्स मुझे टैग कर रहा था, कहीं कहीं पे, कभी इंस्टा पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, हर जगह से मुझे लोग टैग कर रहे हैं, तो बहुत ही बुरा लगा। मतलब एकदम से लोग, ठीक है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती, सब कुछ है, लेकिन एक जब अपने ऊपर बात आए, फिर फैमिली के ऊपर बात आए, तो शायद नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। वो मेरी हद तक रहते फिर भी बर्दाश्त था, फिर भी शायद मैं चुप रहती, मेरी हद तक होता ना वो, मैं मेरी हद तक नहीं। और फिर जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियोस बनाती हूँ, मैं खुद उनको बीच में लेकर आई हूँ, अरे मेरे भाई आपको मुझसे इतना मसला है, आप मुझे मत देखो, आप मैं बुरी लगती हूँ तो आप सीधा जाओ मुझे ब्लॉक कर दो, मैं ना आपके किसी के अच्छे में ना मैं आपके किसी बुरे में, तो आपको भी हक नहीं है मुझे जज करने का। बिल्कुल, जजमेंटल ना हो। ये बताइएगा कि आगे क्या इरादा है टिकटॉक पे, तो माशाल्लाह आपके 60,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, अगर मैं गलत थ्री नहीं। सिक्सटी जी, थ्री सिक्सटी 360,000, 360,000 360, जबरदस्त। तो इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, आगे क्या इरादा है? टिकटॉक सोशल मीडिया को लेकर के चलना है? क्या करती हैं वैसे आप, क्या कर रही होती हैं? देखिए टिकटॉक मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं इसको बाय
कोई टिकटॉक स्टार नहीं हूं मैं, और ना मैं टिकटॉक स्टार बनना चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा अपना एक काम है, मेरी रोजी रोटी है, मैं मेरे हाथ में हुनर है जिसको मैं लेके चल रही हूँ. मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, हाँ यूट्यूबर मुझे बनना है, और मैंने अपना जो कंटेंट रखा है वो ही रहेगा कि मैं मोटिवेट करूंगी, अपनी हर चीज को कैप करूंगी, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी. और जिन लोगों के लिए मैं खड़ी हुई हूँ उनके लिए मैं जिंदगी भर अब खड़ी रहूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस है. सही, ये तो टिकटॉक जस्ट फॉर टाइम पास था मेरे लिए, और मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा. मतलब लाइक मीम्स बन रहे हैं, बने वीडियोस वायरल हों, लेकिन इस हद तक होगी एक जीती जागती इंसान को जानवर बनाया जाएगा. बूढ़ी रू कब्र में पाँव लटकाए बैठी हो, आंटी अपनी उम्र देखो शर्म करो, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा. तो कितना अंदाजा नहीं था कि मेरी हेल्थ को लेके इतना शदीद तमाशा बनाया जाएगा. सही, अल्लाह ताला लोगों को भी हिदायत दे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एक इंसान को मुसलसल टारगेट कर रहे होते हैं वो जिद हो जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाता है. और बिल्कुल बहरहाल ऐसा ही है. आप इस परेशानी से इग्नोर करें, लोगों की इन बातों को भी इग्नोर करें, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव आपकी हैं, आप अच्छे लोगों को, आप लोगों को मैं मोटिवेट करती हैं. बहुत वाकई में मैं बहुत शायद बहुत खुशकिस्मत हूँ बहुत ज्यादा कि मेरे माँ बाप, भाई बहन, बहनोई, भाभी, खाला, मेरे फ्रेंड्स, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या व्हाट्सएप हो, मेरे फॉलोवर्स, टिकटॉक फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, यूट्यूबर, यूट्यूब के फॉलोवर्स, मेरे जो इतने सारे फैंस हैं, इतना सारा प्यार देंगे मुझे, मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे. अगर एक बार बोले कि स्टैंड नहीं लेते ना, तो शायद आज मैं हंस ना रही होती इस वक्त, बल्कि मैं जो मैंने स्टार्ट की जो 4-5 दिन गुजारे रो रो के, मैं शदीद इस वक्त भी उसी कंडीशन में होती. बट मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे लिए स्टैंड लेगा और कोई आवाज उठाएगा और कोई मेरे मुझे मतलब इतना सारा प्यार मिलेगा. लाइक सीरियसली आई एम नॉट अलोन, मेरे साथ तो सब है, बिल्कुल आपके साथ, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है. बिल्कुल आपके साथ सब है. ये मुझे बताइएगा कि इतनी सारी जो आपने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर या आप मोटिवेशन देती हैं, इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स कैसे जनरेट हुई? वो लड़की जो बहुत ज्यादा परेशान होती है, और एक सोसाइटी में हमारा टैबू भी है कि अगर आप आपका रंगत काली हो या आप थोड़े से मामूल से कुछ कम हो या ज्यादा हो तो आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है. तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब, और माशाल्लाह यू आर नॉट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत अगर हम कहें कि बहुत कोई मेच्योरिटी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, तो पॉजिटिव इंसान को वक्त और हालात बहुत कुछ सिखा देता है. इकरा मेरी, मैंने अपनी माँ को मौत के मुंह से वापस पाया है, उस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. इस वक्त मेरा बाप जो है वो 2 महीने से बेड पर है, वो जो है लिटरली पैरालाइज्ड हो गए. इस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मुझे वक्त से पहले अगर मैं उम्र से बड़ी हो गई हूँ तो मुझे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया. मैंने अपनी इस बॉडी शेमिंग को इस हद तक फेस किया था, इस हद तक फेस किया था कि मैं 2 साल तक किसी का सामना नहीं किया. मैंने खुद को शीशे में नहीं देखा. मैं अपने आप को मनुष्य कहती थी, मैं मनुष्य हूँ नहीं, मैं पैदा की हुई हूँ, अल्लाह ने क्या मुझे इस दुनिया में भेज के कोई गलती कर दी, नाउज़ बिल्ला, खुदा खास्ता कि मैं क्या हूँ अम्मी. और उस वक्त भी मैं की स्ट्रगल कर रही थी अपना नाम बनाने के लिए, कि उस वक्त मैं एज अ डिजाइनर काम करती थी. तो अम्मी ने कहा बेटा अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है ना और तुम्हारे माँ बाप है तो तुम क्यों उदास होती हो. मैंने कहा नहीं अम्मी, हर कोई मेरे साथ पिक्चर्स नहीं बनवाता, मुझे कोई मोटा बोलता है, कोई कहता तुम्हारी कद छोटा है, कोई कहता तुम काली हो. मैं बहुत ज्यादा मैंने ऐसा वक्त देखा. उसके बाद जो मेरी माँ ने कुछ सारी सी बातें कुछ लोगों से जो डॉक्टर्स कुछ अच्छे मिल गए, उन्होंने बड़ा साथ दिया इस वक्त में, कुछ मेंटल हेल्थ को लेके मेरी बड़ा मुझे मोटिवेट उन लोगों ने किया. मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, उन्होंने मेरा उस वक्त साथ नहीं छोड़ा. उस वक्त उन लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और फिर एक नई अलीना खड़ी हुई. और उसके बाद शायद शायद ही उसके बाद मुझे कभी अपने मोटे होने पे शर्मिंदगी हुई. वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक अपने आप पे फख्र महसूस करती कि एटलीस्ट मैं अपने आप को ओन करती हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, ना मैं किसी का बुरा चाहती हूँ ना बुरा सोचती हूँ. तो
मुझे नहीं लगता कभी मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। मेरा दिल साफ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। बिल्कुल, अल्लाह ताला भी आपके साथ साथ है और बहुत सारे लोग, आपके पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने आपको दुनिया की सबसे बड़ा जो है वो तोहफा दिया हुआ है, जो वालिदैन की शक्ल है, अल्लाह ताला उनको बेशक सलामती दे। और ये बहुत, आपने अभी जो अहम बात बताई कि ये 2 महीने से, जब से आपके अब्बू जो है वो इस वक्त अलील है, तो उस दौरान भी अपने आपने एक तरह से एक पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश की अपने टैलेंट के थ्रू, और 2 महीने में भी आपने कुछ। बिल्कुल, मैं देखें सॉरी, जी, नो मैं प्रॉब्लम। ये कह रही हूँ कि जिन लोगों को मैंने मोटिवेट करना स्टार्ट किया, जो मुझे पर्सनली मैसेजेस करते हैं कि हम आपसे मोटिवेट होते हैं, अगर मैं हार जाती तो शायद मैं इतने सारे लोगों को हरा दूंगी, मैं चुप हो जाऊंगी। तो मेरे साथ हजारों लोग इस पर जो मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, मैं उन सबको हराऊंगी। तो मैं अकेली तो नहीं हूँ, मैं इस वक्त बहुत सारे लोगों की आवाज हूँ। और मैं इसलिए, मैंने कुछ टाइम तक नहीं एक्टिव रही क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था, मैं इस सिचुएशन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी घर से, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गई थी जाहिर सी बात, वालिद साहब है। और जैसे मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं अपने घर का बेटा हूँ, तो वो सब कुछ भी मैनेज करते हुए मुझे अपने आप को रखना था स्ट्रॉन्ग, रखते हुए अपने हर काम को, प्रोफेशन को लेते हुए चल रही हूँ और चलती रहूंगी इंशाल्लाह। मेरे बाबा जब माशाल्लाह बहुत बेहतर है, माशाल्लाह 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 बहुत बेहतर है, और शायद हमारी दुआएं हमारी खिदमतों का ही असर है जो इतनी जल्दी माशाल्लाह 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 मेरे बाबा ने रिकवरी की है। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामती दे, और इलाही आमीन, इलाही आमीन। बेशक, और हम सब जो भी पेरेंट्स की बदौलत आगे बढ़ रहे होते हैं, वो पेरेंट्स की दुआएं हैं और उनकी एफर्ट्स हैं, उनकी सपोर्ट। मेरे साथ ना पता है आपको, इकरा जिस शख्स से मैं मिलती हूँ ना, उस शख्स की दुआ मेरे साथ है। मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ या मेरे बाप, मेरे भाई भाभी बहन बहनों की नहीं है, बल्कि उस हर एक शख्स की जिसने मुझे जाती तौर पे जाना है, उस एक एक कस्टमर की जिसका मैंने काम किया हो एज अ ब्यूटिशियन, उस एक एक शख्स की जिसके साथ मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट फोटोशूट किए हूँ, एक एक शख्स मुझे दुआ देता है, एक एक शख्स। और इस वक्त जो कुछ हुआ, इतना मैं ज्यादा हर्ट इसलिए हूँ कि मेरी माँ को बहुत रुलवाया है, मेरी माँ बहुत रोई है, बहुत रोई है। उसको देख के मेरा दिल जल रहा था कि यार मैं इस पर इतनी मजबूर हो गई अम्मी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, मेरी वजह से सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर और आप रो रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि मैं टूट ना जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम गुजारा है, तो वो ऐसा वक्त था कि मैं कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। तो अम्मी को मुझ यही डर था कि खुदा ना खास्ता मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं, मैं बहुत हसास हूँ, तो मैं कोई भी रिएक्शन ना दे लूं, तो वो बहुत डर गई थी इस चीज से कि अब क्या होगा। आप बहुत ज्यादा हसास हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने आपको एक पॉजिटिव दिमाग दिया है, जिससे आप अच्छी चीजों को जो है वो फिल्टर कर रही हैं उस दिमाग में, और गलत चीजें, लोगों की गलत राय नहीं अंदर फिल्टर हो पा रही। ये बहुत बड़ी देन है, और इसी तरह से अपने काम को भी जारी रखिए। लोगों की, लोग क्या कहेंगे, कहने दें, क्योंकि लोगों ने तो ना आपके पेट को भरना है और ना आपकी जरूरियात को पूरा करना है, बिल्कुल सही बात है, बल्कि वो बातें कोई जो नहीं बिल्कुल सिर्फ बातें कर सकते हैं, कोई नहीं पूछता कि कौन किस हाल में है। बिल्कुल, तो आप अपने काम को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें और लोगों को बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना आपका, और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की, मजीद कामयाबी दे, और लोगों की इलाही अच्छी आमीन, सपोर्ट आपके साथ जारी रहे। बहुत शुक्रिया आपका, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया इकरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक थैंक यू यू, सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।